कोई हिंदू के अलावा किसी और पहचान की बात करता है, जात पात की, समाज की बात करता है, तो यह समझ लेना वो तुम्हारी कश्मीर फाइल बनवाने की तैयारी कर रहा है जो हमारे बीच में टूट डाल रहा है। जो कश्मीर के अंदर हुआ वो हमारे मोहल्लों में ना हो, हमारे इलाके में ना हो, ये समझना जरूरी है। जिस घर से बुरहान निकलेगा उस घर में घुसकर मारेंगे, जिस घर से बुरहान निकलेगा उस घर से मूसा निकलेगा। नमस्कार, मैं अनुपुर और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आपको याद होगा किस तरह रामनवमी के मौके पर मध्य प्रदेश के खरगोन में पत्थरबाजी की गई, आगजनी की गई, सरेआम गुंडागर्दी कर रहे थे कुछ लोग, गाड़ियों में आग लगा दिया गया। हालात इतने बदतर हो गए, इतने बिगड़ गए थे कि वहां पर 144 लगाना पड़ गया, कर्फ्यू जैसे माहौल बन गए। लेकिन इन दंगों का मुख्य अपराधी, इसका मास्टर माइंड भी सामने आ चुका है। इस देश में खेल बड़े अच्छे से खेला जा रहा है, वो खेल है नफरत का खेल। आपने देखा होगा किस तरह से उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे कई राज्यों से मुसलमानों के खिलाफ जहर घोलने वाली वीडियो सामने आ रही है, किस तरह उन पर पत्थरबाजी की जा रही है, किस तरह से जेएनयू के छात्रों को एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने बुरी तरह से पीट डाला, ये सारी खबरें आपने देखा। किस तरह सरेआम नफरत का जहर घोल रहे थे कुछ लोग, कुछ संगी गुंडे भगवा झंडा लेकर मस्जिद के बाहर जय श्री राम के नारे लगाते दिखे, मस्जिद के अंदर गाने बजाए जा रहे थे, भगवा झंडा लहराया जा रहा था, और कुछ इस तरह इनकी धार्मिक आस्था को भंग करने की तमाम कोशिशें की गई, लेकिन इन्हें रोकने वाला, इन पर लगाम लगाने वाला कोई था ही नहीं। अब मध्य प्रदेश के खरगोन में मुसलमानों को बेरहमी से पीटा गया है, और जब मुसलमानों पर हमला हुआ तो दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड और भाजपा के नेता कपिल मिश्रा उस वक्त उसी गांव में मौजूद थे। लेकिन कपिल मिश्रा ने सीधे तौर पर ऐसे किसी दंगे और हमले की खबरों को झूठा करार दिया है। उन्होंने कहा है कि वो अभी उसी गांव में मौजूद है, लेकिन यहाँ सब कुछ कुशल मंगल है, यहाँ कोई दंगा नहीं हो रहा है, मुसलमान भी बिल्कुल ठीक है, ये कहना था कपिल मिश्रा का। लेकिन अब मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाऊंगी, कुछ सीसीटीवी की फुटेज दिखाऊंगी जो आपको ये बताएगा कि खरगोन में मुसलमानों के साथ आखिर कैसा व्यवहार किया जा रहा है और कितनी शांति है वहाँ, कितना अमन है, मुसलमान कितने खुश हैं। ये सारी खबरें, ये सारे झूठ के पोल खोल कर रख देगा, ये सब कुछ आप इस वीडियो में देखिए। ये वीडियो कपिल मिश्रा के झूठ के पोल को पूरी तरह से बेनकाब करके रख देगा। सीसीटीवी फुटेज में मुसलमानों को बर्बाद करने वाली तस्वीरें, उनके साथ बदसलूकी करने वाली वीडियो कैमरे में कैद हो गई। जरा देखिए इस वीडियो को और अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा झूठ बोला जा रहा है। चलिए जी, मजा आ गया। तो सोचिए, इतनी बेरहमी से कुछ गुंडे इन्हें पीट रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, खुलेआम नफरत बांट रहे हैं, और सरकार लगातार, सरकार, प्रशासन, पुलिस सब इस पर मौन है, मूक दर्शक बनकर बस इस नफरत भरे खेल का लुत्फ उठाया जा रहा है। यहां तक कि खुद प्रधानमंत्री मोदी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं, तो क्या उनकी इस चुप्पी का मतलब ये निकाला जाए कि वो खुद इसका समर्थन कर रहे हैं। अब दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी कपिल मिश्रा का नफरती बयान सामने आया है, जरा उस बयान पर नजर डालिए। मध्य प्रदेश के खरगोन में उनका हेट स्पीच सोशल मीडिया पर काफी तहलका मचा रहा है, काफी वायरल हो रहा है। इसमें वो कह रहे हैं कि हिंदू के अलावा हमारी कोई पहचान नहीं होनी चाहिए, अगर हिंदू के अलावा कोई और बात करता है तो समझना तुम्हारी भी कश्मीर फाइल बनाने की तैयारी चल रही है। जिस घर से मूसा, अफजल, बुरहान निकलेंगे उस घर में हम घुसकर उन्हें मारेंगे। जरा ये वीडियो देखिए किस तरह भाजपा का नेता खुलेआम धर्म के नाम पर भड़काऊ भाषण देकर राजनीति कर रहा है, किस तरह नफरत बांट रहा है, जरा देखिए इस वीडियो में। अगर कोई हिंदू के अलावा किसी और पहचान की बात करता है, जात पात की, समाज की बात करता है, तो यह समझ लेना वो तुम्हारी कश्मीर फाइल बनवाने की तैयारी कर रहा है जो हमारे बीच में टूट डाल रहा है। जो कश्मीर के अंदर हुआ वो हमारे मोहल्लों में ना हो, हमारे इलाके में ना हो, ये समझना जरूरी है। जिस घर से बुरहान निकलेगा उस घर में घुसकर मारेंगे, जिस घर से बुरहान निकलेगा उस घर से मूसा निकलेगा। तो सोचिए कैसे ये खुलेआम हिंदुओं को भड़का रहा है, कितना गंदा खेल खेला जा रहा है, इस देश में शांति को भंग किया जा रहा है। हिंदुओं को इन सभी नफरत जीवियों से सतर्क रहना चाहिए। अब इसी को लेकर लक्ष्मण यादव ने एक ट्वीट भी किया है और लिखा है, हिंदू बने नौजवानों, कब समझोगे कि कलम पकड़ने वाले हाथों में तलवार पकड़ा कर ये तुमको दंगाई बना चुके हैं,
अपने बच्चों को ये अच्छी तालीम और बेहतर रोजगार देकर रुपया लगा रहे हैं और तुमसे मस्जिद के सामने नंगा नाच करवा रहे हैं। जब तक समझोगे ये सब लूट कर तुम्हें अकेला छोड़ जाएंगे, मिलेगा क्या? तो सोचिए कुछ इस तरह से आज देश का विकास किया जा रहा है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।